आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव तेवर खास पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 23 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 3 किलोमीटर है। 4200 वोट और 12000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती यास्मीन के हाथों में है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। बताते चलें कि ये अपने अच्छे कार्यों के कारण कई बार गांव के प्रधान चुने गए हैं। लॉकडाउन के चलते भी ग्राम प्रधान द्वारा राशन व पैसे से आर्थिक मदद भी की गई है। ग्राम प्रधान श्रीमती यास्मीन और सचिव रविंद्र सिंह के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। 4 वर्ष में इन्होंने गाँव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं भी बाकी है, आइए जानते हैं प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के तेवर खास ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा कितना विकास अब तक करवाया जा चुका है और लॉकडाउन के चलते भी किस तरह से यहां लोगों की ग्रामवासियों की मदद की गई है, इसकी पूरी जानकारी हम यहां प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। टुडे 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रधान जी। 4 साल जैसे कि आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, आपकी पत्नी यहाँ पर जो है प्रधान है, आपका विकास कार्य में कितना यहाँ पर योगदान रहा, कि किस किस तरह के विकास कार्य यहाँ करवाएंगे? सबसे पहले मैडम क्षेत्रवासी ग्राम वासियों को आदाब का नमस्कार। और उसके साथ साथ जैसे नाली खरंजुआ काम तो सब प्रधान कराते ही है, स्कूल का सौंदर्यकरण है, जैसे स्कूल की बाउंड्री है और ज्यादातर तादाद में गाँव में टाइल्स के काम कराया इंटरलॉकिंग का। और उसके साथ साथ पानी की बड़ी दिक्कत थी गांव में, तो पानी की टंकी का प्रस्ताव रहा, उसका निर्माण कार्य कराया टंकी का। और अग्निशमन केंद्र हमारा मुरादाबाद था, कोई भी घटना अगर होती तो गाड़ी आने में वहां से काफी टाइम लगता है, वो परेशानी देखते हुए हमने उसका प्रस्ताव करा। ग्राम समाज की जमीन है हमारे गाँव में, अग्निशमन केंद्र का निर्माण हुआ, निर्माण हो चुका है वहाँ पर, निर्माण हो गया है जी। तो वहाँ से जो सेवा है वो अब मिल जाती है? सेवा अभी निर्माण हुआ है, गाड़ी वाड़ी आने के ना खड़ी हुई है, उसका रास्ते रास्ते में काम चल रहा है जी। अब सेवा भी ऐसा मान लो आने वाले समय में हो जाएगी। आवास मिले हैं यहाँ लोगों को? आवास यहाँ करीब लगभग 80 आवास बन चुके हैं और 97 की लिस्ट जारी अब हुई है। ODF हो गई, शौचालय भी बन चुके हैं, ODF है ग्राम पंचायत के प्रकार। और कोशिश है ज्यादा, और विधायक जी से जो बड़े टावर वाली लाइटें होती हैं जी जी, तो वो हमने बड़े टावर की लाइटें भी लगवाई गांव में जो, और सूर्य लाइटें जो छोटी वाली होती हैं वो हमने ग्राम निधि से लगाई जी। सूर्य लाइट और जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा, सरकार में कितने लोग इसका लाभ ले पाते हैं पूरी तरह? किसान सम्मान योजना में तो अभी किसान नहीं रहे हुए हैं, जो कि पहले ऑनलाइन लग रहा था, उनके फार्म अब भेज दिए ऑनलाइन करवा के। और लगभग मेरे ख्याल से कितने आदमी में 90% लोगों को पैसा मिल गया है जी। और सरकारी बिल्डिंग में जैसे स्कूल के अलावा यहाँ पर पंचायत भवन है, पंचायत भवन है, आंगनबाड़ी केंद्र है, खेल का मैदान नहीं है जी, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ पर है उसमें डॉक्टर दवाइयाँ ये मिल जाते हैं, रेगुलर बैठते हैं, मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं होती, कोई मतलब दवाई ना मिलती हो या एम्बुलेंस की सुविधा ना मिलती? एम्बुलेंस की सुविधा है, एम्बुलेंस तो 1 नंबर फोन करने पर फोन आती है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लॉकडाउन जैसे कि 70 दिन का रहा है पूरी तरह से और अभी भी बीमारी का प्रकोप जारी है, तो इसमें कई परिवार ऐसे होंगे जिन्हें कई तरह की बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, आपके सामने भी ऐसा कोई ना कोई जो है जरूर, जो ऐसे परिवार है इसमें आपका क्या, जो ज्यादा परेशान आदमी है उन्हें डीलर द्वारा कुछ अपने स्तर से गल्ला वितरित कराते हैं। और लगभग 1 महीना हमने स्कूल में खाने का प्रोग्राम रखा जी। किसी भी जाति का कोई भी धर्म का आदमी 1 महीना हमने खाना बनवाया, कोई भी आओ अपना खाना खाओ, छोटा बच्चा हो बड़ा हो सबको खाना खिलवाया जी, जी। तो जैसे बाहर से जो लोग आए हैं इधर उधर आपके ग्राम पंचायत में भी आए कुछ? हमारे ग्राम पंचायत में अच्छी संख्या में बाहर से लोग आए हैं, जिसमें क्या सरकार द्वारा 1000 रुपये उनके खाते में डलवाए गए जी। और उनकी जांच वगैरह सब हो गई? उनकी जांच वगैरह सब, कोई पॉजिटिव तो नहीं है? तेरह खास में कोई पॉजिटिव नहीं जी। बाहर से आने वाली संख्या काफी है, मगर पॉजिटिव कोई ना अल्लाह का शुक्र है जी। आप जैसे कि अपने गांव को और ज़्यादा विकसित करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए इसमें जो रहे हुए विकास हैं, जैसे कि आपने बताया अग्निशमन केंद्र का भी यहाँ पर आपने निर्माण कार्य शुरू करा दिया, ओवरहेड टैंक भी यहाँ लगभग
बन चुका है, तो इससे और ज्यादा विकसित हो आपका गांव, कोई समस्याएं ऐसी हैं जो आपको लगता है कि यहां सरकार अगर थोड़ी मदद दे या ध्यान दे? सरकार अगर मदद दे, किस तरह की आप सरकार अगर मदद दे तो वैसे प्रस्ताव हुआ है किसान मंडी का जी, ग्राम समाज है तेवर खास में काफी, और प्रस्ताव भेजा हुआ है जी। मंडी की जरूरत है यहाँ, क्योंकि यहाँ से मुरादाबाद भी काफी दूर पड़ता है और चंद्रशी भी, हम बीच में जी। अगर बीच में मंडी बन जा तो काश्तकारों को अनाज बेचने में थोड़ा किसानों को राहत मिलेगी जी। थोड़ा मंडी बन जाए तो बेहतर होगा। लगभग कितने परिवार यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें अभी आवासों की जरूरत है, जो कच्चे मकानों में अभी भी रहते हैं? 50 आदमी, मतलब 97 नाम भेजे हुए हैं, 97 नाम, 97 परिवार अभी ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवास की जरूरत है। कच्चे रास्ते अब गाँव में बाकी हैं? कच्चे तो ना है, वो ऐसा रास्ता है जैसे रह गए हैं, जैसे जो पुराने हो गए, काफी समय पुराने खरंजे हैं, बैठ गए, टूट गए, मतलब जिनकी जिन्हें मरम्मत की जरूरत, मरम्मत की जरूरत है, बिल्कुल कच्चे रास्ते ना है जी। और कुछ आप कहना चाहेंगे अपने ग्रामवासियों से, जैसे कि अनलॉक सरकार ने अब कर दिया है, हालांकि बीमारी अभी टली नहीं है, दिन पर दिन बढ़ने पर है, तो जगह जगह देखने को मिल रहा है कि लोग पूरी तरह से असावधानी बरत रहे हैं, भूल गए हैं कि लॉकडाउन है या कोरोना है, तो किस तरह से आपके गांव में ऐसा कुछ है जिसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने गांव में? पूरे गांव वालों से और क्षेत्र वालों से यही प्रयास है, ऐसे मान लो ये बीमारी कोई किसी गरीबी से या मालदारी से ताल्लुक हो सकती है, गरीब हो या मालदार हो, ये बीमारी सबके लिए हार्ड है, और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता हूँ मैं भी कि हर आदमी मास्क लगा कर निकले, अपनी जरूरत के मुताबिक बाहर निकले, बिना जरूरत के बाहर ना निकले, और शासन प्रशासन का भी काफी सहयोग है, और करना चाहिए, हम पे ही फर्ज बनने हैं, हर आदमी पर, नागरिक पर, ना कि सरकार पर, हर नागरिक इसकी जिम्मेदारी समझते हुए आगे कदम बढ़ावे इसमें। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन बीते 4 सालों में यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाले निर्माण, आवाज भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, ओडीएफ ग्राम पंचायत हो चुकी है, स्कूल में सौंदर्यकरण का काफी काम हुआ है, इसके साथ ही यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा ओवरहैंग टैंक का निर्माण ग्राम प्रधान के सहयोग से इस गांव में हुआ है, इसके साथ ही यहाँ पर एक जो बड़ी सुविधा यहाँ ग्राम प्रधान ने गाँव वालों को दिलाई है, राहत दिलवाई है, अग्निशमन केंद्र का निर्माण करवाकर, क्योंकि यहाँ से अग्निशमन केंद्र बहुत दूरी पर पड़ता है, लोगों को काफी हद तक परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ये काफी एक जो है सराहनीय कदम ग्राम प्रधान का रहा है। इसमें अगर समस्याओं की तरफ यहाँ नजर करें तो कुछ समस्याएं अभी भी यहाँ बाकी है, जैसे कि सबसे प्रमुख मांग जो यहाँ ग्राम प्रधान ने रखी है वो किसान मंडी को लेकर है, चाहते हैं कि सरकार यदि मदद करे, सहयोग करे, तो यहाँ पर इस गाँव में एक किसान मंडी का ये जो है निर्माण कराना चाहते हैं, क्योंकि किसान मंडी यहाँ से काफी दूर पड़ती है, ग्राम समाज की जमीन भी यहाँ मौजूद है, तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इनकी मांग को ध्यान में रखते हुए पूरा पूरा सहयोग करें और मदद करें। अशरफ अली के साथ मनाजरीन, टुडे 24 से। क्या नाम आपका? रणपाल सिंह। कहाँ के निवासी हो? ग्राम तेवर खास। यहाँ पे 4.5 वर्ष हो गए हैं ग्राम प्रधान जी के कार्यकाल को, विकास को लेकर के क्या कहना चाहोगे? विकास प्रधान जी ने काफी कराया है, बढ़िया कराया है, और सारे गाँव वाले खुश है प्रधान जी को लेकर, बढ़िया कार्य कराया है, और अच्छे भी आदमी है। और कुछ कहना चाहोगे? और क्या कहना चाहेंगे, और मैं ये हमारा यही कहना है कि प्रधान जी बढ़िया विकास कार्य बढ़िया करा रहे हैं, आने वाला समय भी हमें नहीं चाह रहे, नहीं मिले